आपका स्वागत है। मैं आपको एक बहुत ही इमरजेंसी ड्रग के बारे में बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपका जानवर यूरिया खा जाता है या आप उसे ज्यादा खल खिला देते हैं तो उसको सिरका पिलाइए। देखिए सिरका विनेगर होता है, इसकी बोतल अपने घर में जरूर रखिए। और आप अगर उसे सिरका पिला देंगे, एसिटिक एसिड होता है तो इसको पिला देंगे तो बच जाएगा, अन्यथा वो मर जाए। छोटे बच्चों में तो ऐसा होता है कि उनमें ह्यूमन डेवलप नहीं होता है, तो उनमें तो अगर आपने ज्यादा प्रोटीन दे भी दी तो इतना कोई खतरा नहीं होगा। बड़े जानवरों में एल्क्रिटी हो जाती है, एल्क्रिटी मतलब उसमें छारी हो जाता है, तो एल्क्रिटी में आपको एसिड देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपकी गाय जो है वक्त बे वक्त बहुत ज्यादा चाशनी पी गई या आपने मक्का खा गई गेहूँ खा गई तो उसमें एसिडिटी हो जाती है। उसमें सोडियम कार्बोनेट का इंजेक्शन IV लगाया जाता है, 3.8% का 10 ml का सॉल्यूशन होता है, वो आप उसमें लगा दीजिए। तो आप बड़े परेशान होते हैं कि साहब एसिडिटी बताइए, एसिडिटी बताइए। आदमी में एसिडिटी HCl से होती है और इसमें एसिडिटी जो है एसिटिक एसिड से होती है। तो इसमें एसिलॉक को नहीं देते हैं, जो एसिलॉक दे देते हैं वेटनरी में तो वो बेवकूफ़ी है। वो तो जो बताए उसको ही बता दीजिए कि एसिलॉक नहीं लगाते। मैं इसको इतनी कड़ाई से इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए। एसिलॉक बाजार में भी बिक रहा और बहुत से लोग चढ़ा भी रहे। आप लोगों से निवेदन है कि अपने डॉक्टर साहब को पूछिए, ये एसिडिटी में एसिलॉक नहीं देते, ये बिल्कुल गलत बात है और ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं है। तो धन्यवाद, आपने सुना। मैं इमरजेंसी मेडिसन्स की ऑफलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ, एम्ब्रो ट्रांसफर में, मैनेजमेंट में। डेयरी खोलने से पहले आप कभी कहीं ट्रेनिंग जरूर ले लीजिए, नहीं तो आजकल लोग होंगे एक एक लाख की गाय आती है उसे वो मर जाती है। तो दूसरा ट्रेनिंग के लिए आप ये कि 7979848332 पे आप संपर्क करिए। धन्यवाद, आपने सुना।